फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज है फ्राइडे, नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव। रेडी हूँ, मैंने साड़ी डाली है और खाना वगैरह सब बना लिया है। जल्दी उठ गई थी मैं मॉर्निंग में, पैक भी कर लिया है, सारी पैकिंग हो गई है। मैंने आप लोगों से बोला ही था कि नाइट में मैं पैकिंग कर लूँगी, तो कुछ आइटम रख लिए थे और कुछ याद आते रहते हैं लास्ट टाइम पर। तो जो लास्ट की पैकिंग थी वो अभी हमने मॉर्निंग में की है। तो ये हम लेके जा रहे हैं एक बैग, और ये मैं लेकर जा रही हूँ अपना पर्स, हैंड बैग। तो बैग में वैसे ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, कपड़े नहीं है। कपड़े तो हमने एक दो जोड़ी ही रखे हैं, लेकिन चादर वगैरह, कम्बल वगैरह ये सब रखा है। तो बस यही सब सामान हम लेकर जा रहे हैं। पानी की बोतल ली है तो वो किचन में रखी हुई है, और मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई है। कुछ खाया नहीं है, चाय पीकर हम लोग निकलेंगे। बाकी खाना लेकर जा रहे हैं, तो वही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा और वही लंच हो जाएगा। तो चलिए पहले चाय देख लेते हैं। यहाँ पर ये बन रही है चाय, और ये पानी की बोतल हम लेकर जाने वाले हैं। वैसे मौसम नहीं है कि ठंडा पानी लेकर जाएं, लेकिन इसमें जैसा पानी हम भरेंगे, हमने नॉर्मल ही आरओ का पानी भरा है, ठंडा पानी नहीं है, तो बस वो नॉर्मल ही रहेगा। और बस चाय बन जाएगी और चाय पीकर ही हम लोग निकलेंगे। चाय बन चुकी है तो मैंने छान लिया था, और यहाँ पर बस मैं वही पी रही हूँ। हस्बैंड भी पी रहे हैं, वो बोल रहे थे कि बैठ लो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, टाइम हो रहा है तो मैं ऐसे ही पी लूँगी। आप देख ही सकते हैं ऊपर 7:45 बज चुके हैं, तो जब कहीं जाना होता है तो लास्ट टाइम पर काफ़ी जल्दबाजी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने चाय पी ली थी, और उसके बाद हम लोगों ने ऑटो बुला ली थी, और बस अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड, क्योंकि वहाँ से हम लोग बस लेंगे। तो हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है, हम अपने गांव जाने के लिए निकल चुके हैं। मम्मी पापा डायरेक्ट बस स्टैंड पहुँच गए हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए। इन्होंने फिर कॉल करके बोल दिया कि डायरेक्ट बस स्टैंड ही पहुँच जाओ, हम लोग भी वहीं आ जाएंगे। तो बस वहीं हम लोग जा रहे हैं, और आप लोगों को भी मैं अपने साथ ही साथ लेकर जा रही हूँ। तो हम लोग बस स्टैंड आ चुके थे और अभी बस में बैठ चुके हैं। बस भी चल चुकी है, आप देख ही सकते हैं, और आगे वाली सीट पर मम्मी पापा बैठे हुए हैं और उनसे पीछे हम दोनों बैठे हुए हैं। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। तो हम लोग इस टाइम झांसी से भी आगे निकल चुके हैं, काफ़ी आगे आ चुके थे। तो मौसम यहाँ का भी काफ़ी अच्छा है, धूप नहीं निकली है, आप देख ही सकते हैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं, और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए।
हम लोग पहुंच चुके हैं रानीपुर। मैंने आप लोगों से बोला ही था कि यहाँ से आगे ही हमारा गांव है, 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो पहले हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर, ये मंदिर है तो पूजा वगैरह करने के लिए। मेरे हस्बैंड और पापा जो है वो पूजा कर रहे हैं इस टाइम, मैं और मम्मी खड़े हुए हैं। तो हमने बस स्टैंड से ही जो है ऑटो कर ली थी ताकि वो एक दो जो मंदिर हैं हमें उनके दर्शन करा देंगे, और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे अपने गांव जाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आज ही 11 है तो वहां पर पूजा होनी है, हमें वहां पर पहुंचना है। ये मेरी मदर इन लॉ हैं जो कि यहाँ पर सामान रख रही हैं कुछ ऑटो में, और ये है रानीपुर की मार्केट। हस्बैंड जो है आए हुए थे मार्केट में प्रसाद वगैरह लेने के लिए जो कि चढ़ाना था मंदिर में, तो उन्होंने ही ये क्लिप शूट की है। और आज 11 है तो आप देख ही सकते हैं कि गन्ने ही गन्ने मिल रहे हैं, बिकॉज़ इनकी ही पूजा होती है आज के दिन। ये स्पेशल ही पूजा में रखे जाते हैं, बाकी ये मिठाइयाँ हैं और जो भी पूजा का सामान है तो ये सब यहाँ पर मिल रहा है, फूल माला वगैरह। और ये क्या है मुझे नहीं पता, बस ये भी काफ़ी मार्केट में मिल रही हैं। तो मैं क्या दिखा रही हूँ, उन्होंने जो वीडियो शूट की है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये क्या है और किस यूज में आती है ये भी मुझे नहीं पता। और बाकी बस यही सब मार्केट का व्यू है। ये है मंदिर, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये माता रानी का मंदिर है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा मंदिर है अंदर से। ये दालान वगैरह जो है बनाई हुई हैं, जिनको भी हवन पूजा कथा वगैरह करानी होती है तो वो यहाँ पर पूजा वगैरह कराते हैं और बैठते हैं, रेस्ट वगैरह करना होता है। हमारी जब मैरिज हुई थी तब हमने भी यहाँ पर कथा वगैरह कराई थी, पूजा वगैरह कराई थी इसी जगह पर। और ये शेरों वाली माता रानी का मंदिर है, इस मंदिर को बड़ी माता का मंदिर बोलते हैं। ये रानीपुर में है तो हम जब भी यहाँ पर आते हैं इस मंदिर में ज़रूर आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर आती हैं, काफ़ी इनको मानती हैं, तो उन्होंने मुझे भी बताया है इस मंदिर के बारे में। तो जब भी हम लोग आते हैं तो इस मंदिर में दर्शन किए बिना कभी भी नहीं जाते हैं। मैरिज के तुरंत बाद भी मैं यहाँ पर आई थी दर्शन करने के लिए। तो बस यहाँ पर ये जो है माता रानी का श्रृंगार कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है अभी वो माता रानी को नहला रहे थे और जो भी उनका श्रृंगार वगैरह होता है तो वही वो कर रहे थे। ये सामने बनी हुई हैं माता रानी, तो बस इनके हम लोग दर्शन करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर बस दीपक वगैरह रख रहे हैं और उसके बाद हम सब जो है पूजा करेंगे। और अब हम लोग जो मंदिर के बाहर का एरिया है वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि इस मंदिर का जो है पूरा एक राउंड लगाना होता है। तो हम लोग बस जा रहे हैं, आगे आगे मम्मी जा रही हैं और पीछे पीछे मैं जा रही हूँ उन्हीं के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्डन वगैरह बने हुए हैं और सामने एक और मंदिर बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस मंदिर में आकर। और इस टाइम भीड़ नहीं थी, बस एक दो लोग ही थे जो दर्शन के लिए आए हुए थे। ये बना हुआ है यहाँ पर कुआं जो कि काफ़ी पुराना है, मम्मी बताती हैं तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मुझे काफ़ी डर लगता है कुएं वगैरह से इस तरह से देखना, तो मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तब भी मुझे काफ़ी डर लग रहा था। और ये मंदिर है, यहाँ पर पेड़ के नीचे जो है भोले बाबा की शिवलिंग रखी हुई है, तो उन्हीं के पूजा कर रहे हैं हम लोग, पैर वगैरह छू रहे हैं मम्मी और मैं। और बस ये जो मंदिर का चारों तरफ का नज़ारा है वही आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, हमें काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और बस पूजा वगैरह हो चुकी है, हम लोग अब यहाँ से वापस चले जाएंगे क्योंकि हमें जाना है। और अभी दिन का टाइम हो चुका है, हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं है, हम बस जो लेकर आए थे वो अभी सब रखा हुआ है, तो हमने सोचा पूजा वगैरह करने के बाद ही हम लोग खाएंगे। तो
बस अब जो है हम लोग ऑटो में फिर से बैठ चुके हैं। पहले हम लोग कहीं पर रुकेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद जाएंगे आगे। अभी तो हम लोग मंदिर से वापस जा रहे हैं, तो ये जो है रानीपुर के मकान बने हुए हैं वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कभी कभी यहाँ पर आते हैं तो अच्छा लगता है यहाँ पर आना। और मेरे गांव का जो वीडियो है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, सो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा। और इस ब्लॉग को इन्जॉय किया या नहीं ज़रूर बताइएगा मुझे। तो हम लोग अब जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।